डॉक्टर वसीम अकबर शेख साहब जिन्हों की तालीम है PhD मैस कम्युनिकेशन दे विच ते उन्होंने पोस्ट डॉक भी की है मैस कम्युनिकेशन इज इंग्लैंड चू अजकल हैड ऑफ डिपार्टमेंट इन मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट गोबल यूनिवर्सिटी दे ते उन्हों का इलमी कम है कालम निगार हैं मुख्तलिफ मजामीन अखबारात मुख्तलिफ रसायल छपते रहते हैं सात किताबों के मुसन्निफिन ते आज दे उन्होंने मकाले का टाइटल है उनवान है इलाकाई सकाफत ते इलाकाई मसायल को हल करने मीडिया का किरदार तशरीफ लाते हैं डॉक्टर वसीम अकबर शेख। मोहतरम एजाज अहमद कुरैशी साहब, मोहतरम फयाज बलोच साहब, दीगर मोजीन खवातीन व हजरात, सब तो पहले तो मैं अपने मकाले की त्रै मिनटों के समरी पेश करना चाहता, लेकिन उन्हें तो पहले मैं सिर्फ दो गालियां मीडिया के मौजूदा किरदार के बारे रखना चाहता। अगर तुसा कदा खटड़े से बह के ओपन एयर रोटी खाधी होए तो तुसा एडिटा सी कि दो त्रै कुत्ते बिल्लियां भी नाल नाल मौजूद होने तो तुसा कोई रोटी खाते हो कोई रोटी देने वाले उछाल ले दे तो वह भी वो झप के खा, लेकिन तुसा जरा चस चाण वास्ते कोई हड्डी जेड़ी है वो उनको सटेंदे नहीं है बल्कि हवाए च उठा रहे हो तो तुसा दे दो कि त्रै चार कुत्ते बयक वक कुत्ते पौने कुत्ते एक कुत्ता को पकड़ गए कुत्ता को हड्डी को पकड़ गए तो बाकी त्रै चार उनके पिछू एक किरदार में सारे आज के मीडिया का कि वह एक खबर को पकड़ गए तो बाकी चैनल उनके पिछू होने लिहाजा तुसा देख सो कि हर चैनल से जो छी नैशनल चैनल हैं उनतरी मुल्क जिठे रहने इंतहाई शर्म की गाल है कि उनके एको जहा खबर होने सारे एको जहा खबर देते पे होने तुसा सुन के हैरान थी सो कि पिछले दो महीने पहले बच्ची ज्यादा केस का एक वाकया लाहौर अस्पताल पेश आया है उन्हें तो लोग घर बैठे चैनल बदलते रहन शर्म के मारे, लेकिन मीडिया को शर्म नहीं आई। दूजी गाल है कि एक स्टूडेंट मेरे को आया, मैं को आदा साहब तेरे को मशवरा गिरना है तुसा मुखलसाना मशवरा दे सो, मैं जी फरमाओ आखिर मेरी जाल मेरे को तलाक मांगती पई है, मैं वजह आखे मेरे मोबाइल इस कोई लड़की का नंबर दे के दस बस उनको शक पै गया होना दी मैं को तलाक दे। मैं उन्हें को पूछा है मैं यार वो ड्रामे तो नहीं देती TV पर बह के ये जियो ते हम ते ये अरवाई वाले आखिर सब तो पसंदीदा काम तो ये है उनका, यानी ये तो खबर की गल सी दूजे पास ड्रामे का यह हाल है कि एक तलाक की रेशो इजाफा थी गया वैसे लड़ाई झगड़ा फसाद शक शुबा मुआशरे के बीच रवादारी खत्म थी गई है तो एक बैते जिद हट धर्मी तो मुतकबराना रवैये तो एक बै चिदे से चिदा खड़ा होने वाली गाल चल पी। इन दो गालियों के बाद मैं अपने मुख्तसरन मकाले की तरफ आना जैसा उन्होंने है कि इलाकाई सकाफत के मसायल की निशानदेही तो उन्हें हल करने सराइकी मीडिया का किरदार। तो आपको पता है कि यह दौर मीडिया की हुक्मरानी का दौर है, मीडिया कें भी माशरे के इज्तमाही मिजाज को बनावन ते विगाड़न का बुनियादी किरदार अदा करेंद है। वक्त गुजरने के नाल नाल मीडिया ने जिंदगी के हर शोबे को मुतासर किया है, अजकल मीडिया घर का एक फर्द तो जिंदगी का एक लाजमी जुज बन के रह गया है। इन गालों मीडिया को यानी रेडियो TV अखबारों को मुआशरे का तर्जुमान आखा वह है, मीडिया के बगैर इंसानी जिंदगी बेकैफ बे रौनक बे इलम रह जाती है, क्योंकि सबू हर गाल की खबर मीडिया ही देता है। अगर ये मीडिया को यानी रेडियो TV के अखबारों को अपनी जिंदगी खारिज कर लो तो अस बाकी दुनिया तो कट के रह बैसू तो सारा इलम अपनी जात ते अपने करीबी लोगों तक ही महदूद सी कि रह बैसे। मौजूद हाजरीन, पिछले 5 साल के दौरान मीडिया ने बहुत तरक्की की थी है, ये पहले रेडियो TV अखबारों ते किताबों तक महदूद है, लेकिन हुण इन कैमरे भी आ गए, केबल नैटवर्क भी आ गया है, सैटेलाइट भी आ गया है, कंप्यूटर इंटरनैट भी आ गया है, मोबाइल भी आ गया।
ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਤਲਾਤ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2001 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਥਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਫਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਆਵਾਮ 'ਤੇ ਜਲਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੁਨਾਚੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ KPK ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾਈ ਚੈਨਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੂੰਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਅੱਸਰ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਸੇਬ, ਕੂਕ ਅਤੇ ਰੋਹੀ ਨੇ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਫਰੀਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਰਾਇਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਾਇਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਬਤ, ਨਾਖਵਾਂਦਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆਵਾਮ ਆਈ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਆਵਾਮ ਆਈ ਅਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੱਤੀ ਅਤੇ ਬੜਕੀ ਹੋਈ ਆਵਾਮ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਰਾਇਕੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜੀ ਮਸਾਇਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਾਇਕੀ ਫਨਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ, ਅਦੀਬਾਂ, ਡਰਾਮਾ ਨਵੀਸਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰਚੇ ਸਰਾਇਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸਕਾਫਤ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਜੀਓ, ARY, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਬਹਰਾਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਅਦਮ ਇਸਤਿਹਕਾਮ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਦੀ ਕਮੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਾਇਕੀ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕੌਮੀ ਸਤਹ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੂਕਾ ਮਾਰੇ ਹਰ ਵਰਗਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੂਕਾ ਮਾਰੇ ਹਰ ਵਰਗਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ, ਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਸੁੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ।